फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में हमने जो सरस्वती मूर्ति का फेस बनाना सीखा था, उसी फेस का आज हम मोल्ड बनाना सीखेंगे। अगर आपने इस फेस का मेकिंग वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, वहां से जाकर देख सकते हैं। सबसे पहले मैंने फेस के ऊपर जो क्राउन बनाया था, जितना एक्स्ट्रा पार्ट है इन सबको मैंने चाकू की हेल्प से कट कर दिया है कुछ इस प्रकार से। इसके बाद इसको क्लीन कर लेंगे जो हमने कट किया है। और इसके बाद मैंने मिट्टी से देखिए चकला स्लैब बना लिया है कुछ इस प्रकार का, और इसी से हम पीछे के साइड से घेरा करेंगे जहाँ पे हमने मिट्टी को कट किया था। इस टाइप से घेरा बनाना है। इसके बाद हम मिट्टी से कुछ इस प्रकार से हम स्लैब बना लेंगे, पतला लंबा सा, देखिए कुछ इस टाइप से। और इसी मिट्टी की स्लैब की हेल्प से हम तीन साइड से, फेस के तीन साइड से घेरा बनाएंगे कुछ इस प्रकार से, देखिए। फ्रेंड्स, आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि जो मैं अभी फ्रेम बना रहा हूँ इसी की हेल्प से मैं लास्ट में एक फेस बनाकर भी दिखाऊंगा। फ्रेंड्स, हमने फेस के चारों साइड से घेरा बना दिया है, पीछे के साइड से एकदम बैक रखना है। और जो हमने तीन साइड से पतला वाला घेरा बनाया है ये अपने जगह से हिले ना, इसके लिए देखिए हमने सपोर्ट के लिए यहाँ पे मिट्टी लगाया है ताकि अपने जगह से हटे ना। इसके बाद हम पीओपी लेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस, वाल पुट्टी नहीं लेना है। और पीओपी देखिए हमने कट कर लिया, आपको हार्डवेयर की दुकान पे यह पीओपी मिल जाएगा। और इसको मैंने एक बर्तन में देखिए पीओपी को डाल दिया है, और इसमें सिर्फ वाटर ऐड करना है, पानी ऐड करना है, इसमें फेविकॉल वगैरह कुछ नहीं मिलाना है। और इसको देखिए शुरू में हम एक पतला घोल बनाएंगे, और इसके बाद गाढ़ा घोल बनाना है। देखिए हमने यहाँ पर पतला घोल बनाया है पीओपी और पानी की हेल्प से। इसके बाद हम इस घोल की हेल्प से फेस के ऊपर एक पतला लेयर बनाएंगे, और पूरा ढक जाना चाहिए, कोई भी एरिया खाली नहीं होना चाहिए। देखिए कुछ इस प्रकार से हम पूरे को ढक देंगे, और इसके बाद गाढ़ा घोल बनाएंगे हम पीओपी का, और उसी की हेल्प से ऊपर से हम मोटा लेयर दे देंगे। देखिए हमने फेस को ढक दिया है पतले लेयर से पीओपी के, और इसके बाद हमने देखिए ये गाढ़ा घोल बनाया है और इसी को ऊपर से हम दे देंगे। फ्रेंड्स, पीओपी से आप जब भी कोई काम करें तो जल्दी जल्दी करें, क्योंकि यह बहुत जल्दी हार्ड हो जाता है। हमने पूरे फेस पे देखिए मोटा एक लेयर दे दिया है पीओपी का। इसके बाद ऊपर से हम क्लीन कर लेंगे उंगली की हेल्प से, देखिए। और अब हम इसे हार्ड होने के लिए 4-5 घंटा छोड़ देंगे ऐसे, या 3 घंटे में भी अच्छे से ड्राई हो जाएगा गर्मी के दिन में। पर अभी ठंडी है तो मैंने इसे रात भर छोड़ दिया था, और देखिए ये रात भर छोड़ने के बाद ये हार्ड हो चुका है। तो साइड साइड से मैंने जितना भी एक्स्ट्रा मिट्टी लगाया था इन सबको हम हटा लेंगे। देखिए साइड साइड से जितना भी मिट्टी है हम सबको, और अंदर के साइड से भी जितना मिट्टी है इन सबको भी हम हटा देंगे। मिट्टी को निकालने के बाद साइड साइड से जितना ऊपर के साइड से एक्स्ट्रा पार्ट है पीओपी का जो लेयर जम चुका है इन सबको हम चाकू की हेल्प से कट कर लेंगे, और पानी में रखकर अच्छे से हम ब्रश की हेल्प से साफ़ कर लेंगे अंदर के सारे मिट्टी को। देखिए हमने इसको साफ़ कर लिया है। अब इसमें हम एक फेस बनाकर आपको दिखाएंगे, देखिए ड्राई हो चुका है। इसके बाद इसको हम फेस बनाने से पहले अच्छे से ब्रश से पोंछ लेंगे, और इसके बाद देखिए मिट्टी को हमने लट्टू की तरह इस तरह बना लिया है, और इसको नाक के अंदर पहले डालना है इस टाइप से, और इसके बाद इसको दबाना है उंगली की हेल्प से, चारों तरफ फैलाना है चारों साइड से, देखिए कुछ इस प्रकार से। फ्रेंड्स, अब बहुत ही इजी है मोल्ड बनाना या मोल्ड से फेस बनाना, आप एक बार ट्राई करके जरूर देखना। और मैंने जो सरस्वती मूर्ति बनाया है बड़ा वाला, उसका भी वीडियो बहुत ही जल्द आने वाला है, उस पर अभी काम चल रहा है इसीलिए उसका वीडियो अभी नहीं आया है चैनल पर। आप लोग का बहुत सारा कमेंट आ रहा है पार्ट 2 के लिए, तो हाँ जल्दी आने वाला है, आप लोग चैनल पर बने रहिएगा बस। और देखिए हमने एक लेयर लगा दिया है। इसके बाद हमने ये पतला स्लैब बना लिया है पीछे के साइड से लगाने के लिए, इसको यू शेप में मोड़कर, और इसको भी हम ज्वाइंट कर देंगे यहाँ पे, अच्छे से चिपका देंगे दोनों मिट्टी को एक दूसरे से कुछ इस प्रकार से। और फ्रेंड्स, फेस बनाने के लिए जो मैंने मिट्टी तैयार किया है, अगर आपको देखना है कि मैं मिट्टी कैसे तैयार किया हूँ, तो इसका वीडियो मैंने अलग से बनाया है जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। देखिए मैंने दोनों को अच्छे से ज्वाइंट कर दिया है, अब इसको बहुत ही आसानी से निकल जाएगा। देखिए पीछे से पकड़ कर खींचना है आगे की तरफ, और देखिए फेस बनकर रेडी है। हल्का सा फिनिशिंग देना पड़ेगा, जहाँ जहाँ पे एक्स्ट्रा मिट्टी है इन सबको क्लीन कर लेंगे बाद में। देखिए हमको उल्टा रखकर इसको पलट
थोड़ा सा हार्ड होने के लिए छोड़ देंगे और इसके बाद इसको हम क्लीन कर लेंगे बाद में। हल्का हार्ड होने के बाद देखिए हमने इसको फेस को क्लीन कर लिया है और देखिए कितना प्यारा फेस बना है। इसी फेस को हम सरस्वती मूर्ति में लगाएंगे। इसी टाइप से आप मोल्ड की हेल्प से बहुत सारा फेस बना सकते हो बहुत ही आसानी से। देखिए आशा करते हैं आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।